इसका अभिनव का बैक का पेपर है, तो भाई ये बैक के पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं। मैकेनिक्स का बी ए सी के बैक होती है ना, थर्ड सेमेस्टर में आई थी वो पेपर है। तो भाई इनकी पढ़ाई पूरी होगी बैक के पेपर की। और भाई इन्हें पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, 50 नंबर। आप हिंदू भाई? सही बात है भाई। भाई मैं हूँ यूट्यूब कम्युनिटी से। बच्चे पता नहीं किसकी लेवल, हम नहीं पता, बस ये पता है कि यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो हमारी पढ़ाई कितनी हो रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारी क्लास हो गई खत्म। इसका अभिनव का बैक का पेपर है, तो भाई ये बैक के पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं। इनका मैकेनिक्स का बैक का पेपर है कल को। भाई छोड़ दिया था पेपर। अच्छा, खाइयो माँ कसम। माँ कसम भाई की शादी थी भाई। और अभी इसे हिला दिया टॉयलेट में। तुझे हिलाया था टॉयलेट में? नहीं, भाई मैं नहीं था। ये संतोष है, भाई इनका बैक का पेपर नहीं है। उधर मास्टर खड़े हैं हमारे, ये भाई क्लास के पढ़ाकू बच्चे हैं। अच्छा भाई, ठीक है भाई। तो भाई बाहर चलते हैं क्योंकि इनका बैंक का पेपर है, ये फेल हो गए थे। ये फेल तो भाई इनका बैंक का पेपर है, ठीक है। मैकेनिक्स का बी ए सी के बैक होती है ना, थर्ड सेमेस्टर में आई थी वो पेपर है। सो भाई ये हमारा बादल है, उस छोटा हाथी। ये क्लास का वो बच्चा है जो टाइम से पहले सारा काम कर लेता है, फाइल वाइल बना कर आता है सुबह को। आज कंप्लीट ना मेरी फाइल। ये रहा भाई, आज कंप्लीट ना मेरी फाइल। भाई पढ़ने में बहुत तेज है, ये देख लो आप, इसका साइज देख कर पता लगा सकते हो कितना तेज है पढ़ने में। और भाई ये फिर इनका बैक का पेपर है, इसका बी ए सी के बैक का पेपर है। और आप तब भाई इनकी सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। भाई इनकी पढ़ाई पूरी होगी बैक के पेपर। आज का मेरा आज का पहले तो पढ़ते लिखते है नहीं, फिर बैग आ जाती है। भाई बैग नहीं थी, पेपर छोड़ दिया था, ठीक है। रिजल्ट खोलता, दूध का दूध पानी का पानी, रिजल्ट खोल दे। उसमें नंबर वैसे ही आओगे, जीरो लिख के आएंगे उसमें। जीरो नहीं है ना भाई, तो कितने पता नहीं, पेपर छोड़ दो तो जीरो आती ना उसमें। तो टीचर पर पता नहीं क्या मैंने पेपर छोड़े दो, सिक्स्थ सेमेस्टर के मेरे जीरो जीरो लिख के आएंगे। भाई इनकी ईयर बैग है, ईयर भाई मेरे में तो आई नहीं। भाई ईयर बैग है तुम्हारी, ईयर बैग भाई जो बोलता है ना उसकी होती है, क्योंकि हम चल छोड़, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि इसकी ईयर बैग है, इसकी ईयर बैग है, आज सेकंड ईयर। सुन ले तू भी यार, सुन ले तू भी, उसका आज बर्थडे है। जान भाई क्या हो रहा है। तो आज का मेरा थंबनेल है अभिनव का बैग का पेपर, ठीक है भाई। आफ्ताब भाई आपको कैसा लग रहा है अभिनव भाई की बैक आई है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार शेयर कर देगा भाई, कल को पेपर हो जाएगा ना जी, बता दो भाई। और भाई इन्हें पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, 20 नंबर का तो 50 नंबर आओगे, 100% पहला जी बोलने वाला था, 100% आओगे, पहला जी बोला तुमने, सोचा कम बोल दो, ज्यादा हो जाएगा, भगवान बुरा मान जाएंगे। इतना तो पढ़ भी नहीं रहा भाई। ब्रह्मा भाई आज तुम कुछ खा नहीं रहे? नहीं यार, कल तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। ब्रह्मा ने पहले ही, हाँ भाई हो जाए, एक हमारे अर्पित भाई हैं, वो एक गपशप का पैकेट लिया है 5 रुपए वाला, जब तक वो खत्म नहीं हुआ ब्रह्मा भाई रुके नहीं, और फिर उसे खाली पैकेट दे लेते हैं। है कोई बात तुम्हारी? नहीं भाई कोई बात नहीं है। सो आज का, हाँ भाई तो आपका बैग का, अरे यार। सो भाई कोई अगर मेरा भाई या उसकी बहन डरती हो कि बैग आ गई है, भाई की आ रही दो बैग, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरी दो बैग थी, एक दो बैग फर्स्ट ईयर की भी होगी मेरी, सारी क्लियर है। अभी रिजल्ट खोल के दिखा दूंगा, तू भी रिजल्ट खोल, मैं भी रिजल्ट, ठीक है? हाँ ठीक है, खोल पहले तू, खोल अपना, फिर मैं अपना रोल नंबर, क्यों भाई ब्लॉग में दिखा दूंगा रिजल्ट खोल के। चलो खोल, दिखा दिखा, चल पहले तू, पहले तू चल अपने में खोल ना। नहीं नहीं अपने में खोल ले, अब मैं खोल रहा, बता रोल नंबर, बता उसका, खोल उसका। रजत भाई, रजत दलाल भाई के साथ कैसा होगी? कैसा हुई भाई? कुछ नहीं हुआ, बढ़िया भाई। यार 1v2 उन्होंने कर दिया है भाई, बोल तो दिया था, तो भी बोल दो भाई। अच्छा, बहादुरगढ़ कौन जा रहा है अपने, कुछ के घर में
तो भाई तुम लोकेशन देते ना बीच में बुला लेते उसे दी थी फरीदाबाद की तो सेलेक्ट क्यों नहीं करी फरीदाबाद लोकेशन डाली थी आए बना कौन किसने दी थी राजवीर ने फरीदाबाद की दी थी भैया करवानी की उसने बताइयो किसकी अरे भाई यार यार छोड़ दो लोकेशन दी जा थोड़ी कह दिया ऐसी लोकेशन डाल लो लोकेशन डाली तो थी उसके फिटनेस कौन सा फिटनेस था फिटनेस गहरा थी अरे वो थोड़ी थी पहले की बात है तो जब भी आया हो जब भी क्यों ना आया जब भी आता ना भाई कुछ काम कर रहा हो ऐसे थोड़ी है काम इसमें स्कूल में भाई स्कूल में चल रियलिटी पा रहे भाई जी उसने आया था ना उसने वो नहीं सोचा था कि उस वैसे मजाक कर रहा उसने सोचा था कि मजाक कर रहा है आ नहीं रहा उसने नितिन चंडीला से बात भी करी थी कि वो आ रहा नहीं आ रहा तो उसने कह रहा कि मजाक कर रहा आ नहीं रहा वो तू जा तेरी वीडियो बन जा अमूल पे बैठ नहीं सकते अपने यारों की सारी चीज नहीं निकाला करते क्यों भाई अभी ना भाई यार आप रुक गए बीच में चल मतलब कौन आगे बताओ हुआ मैं बैठा वो केस हो गया मैं इसे फोन करने वाला था मैं कहा जब पूछ के फोन करेगा हाँ भाई आ गया स्वाद दो मिनट बाद अभिनव की स्टोरी हाँ भाई आ गया स्वाद आ गया आ गया So guys, मुझे इसमें बहुत सारे कट्स लगाने पड़ेंगे वीडियो में भाई जिसे व्यूज चाहते उसे व्यूज मिलिए जिसे फॉलोअर्स चाहते उसे फॉलोअर्स मिलिए तो इसे भी दिला दो व्यूज को ये भी व्यूज के लिए बढ़ रहा सही बात है सब अपने अपने सब भाई व्यूज के लिए बढ़ते हैं क्यों भाई सही बात है लाइक्स मिल गई आपको सो भाई इन दोनों की लड़ाई हुई रजत की और किसकी राजवीर की कुछ नहीं हुआ लड़ाई में मैं सोच रहा था घुट बजेंगे मैं तो सोच रहा था भाई यहाँ तो गोली चलनी चाहिए गोली चलेंगी घुट बजेंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं 1 मिलियन फॉलोअर्स राजवीर भाई को मिल गए डेढ़ हो गए भाई अब तो 1.5 मिलियन हो गया अब और 1 मिलियन रजत भाई को मिल गए और दोनों अपने मौज में है खुशी खुशी जिंदगी जी रहे अब आएगा मोटा पैसा उनके पास किसी ने ब्रांड भी नहीं रखे क्या भाई भाई यार ऐसा गाली मत दो मुझे कट्स गाली क्या दे रहा भाई कट्स नहीं उसमें थे आप तब भाई कुछ कहना चाहोगे भाई किसी के अंदर इतने गट्स नहीं थे कि किसी के ऊपर रख दे भाई ये भाई भी पीछे से बोले भाई ये ऐसे लोग तो प्रोवोक करते हैं स्टोरी लगाने के लिए हमारे जैसे लोग प्रमोट ना करते हमारे जैसे लोग चुपचाप काम कर जाओ कह रहा प्रोवोक प्रोवोक कुछ कुछ लोग बाकी स्टोरी लगाते हैं हां भाई आ गया स्वाद तो भाई कोई व्यूज के लिए करे रजत ने भी व्यूज ले लिए राजवीर ने भी ले लिए पता नहीं यार यो बात नहीं समझ स्वाद क्या था देख उन्होंने 4 वीडियो बनाएंगी चारों वीडियो में उन्होंने एक दूसरे को एड्रेस दिया चल एक भी नहीं पहुंचा आज जहाँ सुना होगी सारे 100 पे बैठे ऐसे कैसे एक एक वीडियो में बिना बताए घर भी पहुंच गया राजवीर गया तो था फरीदाबाद तब कुछ भी राजवीर फरीदाबाद गया था उसने दी थी बहादुरगढ़ की मानने को कह रहे जब तक बहादुरगढ़ में है भाई 47 गांव दलालों के पहले कौन जाएगा पहले उसने दी थी वहाँ की नोएडा की किले राजवीर ने राजवीर ने मैक्स फिटनेस पे जी हाँ तुझे ज्यादा पता पूरा पता भाई पूरी स्टोरी देख रखी है अभी भाई आप बोलो कुछ यार आप ही बता सकते हो क्या होता है जब नोएडा आया फिर फरीदाबाद गए उसके अरे रजत के साथ वहां गुंगराले वालों वाला तेरा रिश्तेदार है रजत नहीं तेरा रिश्तेदार है कौन रजत भाई भाई तेरा नो भाई नो तुम्हारा 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 तो काहे को लड़ रहे हो फिर यहाँ पे भाई जाट कम्युनिटी से हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई हम राजपूत से हैं तो राजवीर को सपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल भाई यही तो हम समझा रहे हैं भाई आप किस से मुझे दिए सारे जाट से भाई आप हैं हिंदू हिंदू और भाई आप हिंदू भाई हिंदू सही बात है भाई भाई मैं हूँ YouTube कम्युनिटी से इसलिए आप इन सब के बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है ना भाई हमारा स्वीट बॉय आ गया है अरे दाढ़ी आ गई मजाक नहीं भाई तूने ही डाली थी हाँ तो वो तो जब दाढ़ी नहीं थी तब डाली अच्छा अब दाढ़ी आ गई अभी 2 दिन पहले डाली थी क्या 2 दिन पहले डाली थी स्टोरी क्या स्वीट हो गया हूँ वो वाली 1 हफ्ते हो गए उस बात को 1 हफ्ता हो गया अच्छा अब आ गई दाढ़ी अब नहीं है स्वीट अब क्या हो अब सोर अरे यार तुम स्टोरी पे नूडल रख के सब मिट हो रहा ले मैं अभी इससे इसी बात पे डिस्कस कर रहा था अरे राजपांडे देख रहा राजपांडे ने एक स्टोरी लगाई थी कि स्वीट हो रहा हूँ हाँ तो हो रहा भाई देखिए ये मीठा होता जा रहा
भाई हो रहा था भाई, अब तो बात खत्म हो गई, अब ये खट्टा हो चुका है, अब इसकी दाढ़ी आ गई। नक्शेबाजी कम दिखाए करो भाई। भाई 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 प्लीज नो गाली भाई, मैं गाली देता ही नहीं हूँ, ये गाली दे रहा है यार मुझे, ये बड़ी गाली क्या होती है भाई, ये साली गाली क्या है, नो गाली। तो भाई यहाँ पे चल रही है PPT प्रेजेंटेशन सॉफ्ट स्किल्स की, इधर आशुतोष भाई दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। ब्रह्मा की खत्म हो गई, सर स्लीपर्स में प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, सर स्लीपर्स में प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। ओके सो बकरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टुडे बट यू हैड लॉट्स ऑफ फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स, अदर यंग्स वर देयर नॉट, अदरवाइज यू आर क्वाइट फ्लुएंट, यू डोंट हैव सो मच ऑफ आज एंड यंग्स इन योर स्पीच, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। आज शुड के साथ क्या हो गया, शुड हो गया, शुड एंड शुड, what, why did that happen? You somewhere or the other lost track of pronunciation as well, should and should, yes, they are the plan, right? Brahma, तुमने प्रेजेंटेशन, तुम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, हो सकता है साथ में ना बनाया हो, that's a different issue, but the thing is that उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है कि smile करके enthusiastic होके हम प्रेजेंट करते हैं या बात करते हैं, तो स्माइल और एंथुसियाज्म कहां था? सर वो तो इंटरव्यू में होता है, प्रेजेंटेशन में नहीं होता है, राइट? बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी सिंपल दैट अंटिल एंड अनलेस यू रेडिएट एनर्जी एंड पॉजिटिविटी इन बॉडी लैंग्वेज, नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, राइट? वेरी वेरी सिंपल। सो भाई प्रेजेंटेशन की सॉफ्ट स्किल की लैब हो गया खत्म, बादल ने सबसे कम बोला था भाई, मैंने यार मैंने एक स्किल्स का वो दे दिया था, तो हमारा मैंने भी सोसाइटी के बारे में बोला था, सोसाइटी का कौन सा बोल दिया तुमने, तो बोला था भाई, भाई GD हुआ था, हमारा टॉपिक था एजुकेशन इज फॉर नॉलेज और मार्क्स, तो उसको बोलना था 5 मिनट के अंदर सोच के, बोल दिया मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लिया कि वो 10th फेल है लेकिन उसके पास स्किल्स है, कैसे स्कोर रन करते हैं, कैसे जिताते हैं, कैसे चेज करते हैं, यहाँ पे होगी, ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हो हमारी पढ़ाई कितनी हो रही है, तो लैब में अपनी अटेंडेंस लगवाए, लैब ले फिर उसके बाद मिलते हैं। सर ना हो, मैंने अभी 500 ग्राम का वेट रखा है सिर्फ, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या 500 ग्राम पे स्टेबल हुआ, देखिए। सो भाई घर पर आ गया हूँ, एडेप्टर लेने गया था वो ले आया, और भाई इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।